क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करें और उसकी लंबाई मापें। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से आपको जो है 4 सेंटीमीटर लेना है यहाँ पर। देखिए ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, एक आपको वृत्त जो है यहाँ से बनाना है 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, वृत्त बना दिए। ठीक है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का वृत्त हो गया। फिर कह रहा है संकेंद्रीय 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर सेंटर यही रहेगा। और यहाँ से आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर नाप कर जो है आपको एक वृत्त और बना लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये संकेंद्रीय वृत्त जो है बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका वृत्त बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको ओ पॉइंट मानना है, इस वाले को ओ पॉइंट हो गया आपका ये। और यहाँ से आपको एक लाइन ऐसे इसमें खींच देना है यहाँ से। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर पी पॉइंट और ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है, इस रेखा को समद्विभाजित। तो देखिए समद्विभाजित कैसे करते हैं, यहाँ पर एक बार इधर आप कट करेंगे यहाँ से और फिर एक बार इधर यहाँ से कट कर देंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे इसको और फिर इधर एक बार यहाँ कट करेंगे और एक बार इधर कट करेंगे। तो ये हो गया आपका समद्विभाजित। फिर आपको क्या करना है, इसको जो है मिला देना है यहाँ से, इसको जो समद्विभाजित किए हैं उसको मिलाना है। तो ये मिला दिए हम, मिलाएंगे तो जो 4 सेंटीमीटर वाला है वहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। तो देखिए यहाँ प्रतिच्छेद किया है और यहाँ पर, तो जो ये प्रतिच्छेद किया है उससे ओ बिंदु से जो है आपको मिला देना है। ये आपका हो जाएगा ए पॉइंट। फिर आपको यहाँ स्पर्श जो है ये पी बिंदु है, इससे आपको ये मिला देना है ए पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए पॉइंट से और इधर भी आपको ये यहाँ से मिला देना है। अब देखिए ये आपका है 6 सेंटीमीटर और ये वाला यहाँ से ये कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर। आपको पी ए मालूम करना है। तो देखिए पी ए बराबर, तो पी ए बराबर आपका ये जो है लंब हो जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो लंब 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है लंब, और ये आधार हो जाएगा। तो आपको जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो है कड़ होता है आपका। ठीक है, ये याद रखेंगे, कड़ होता है। तो कड़ हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो हो जाएगा अंडर रूट फार्मूला, ये आपका 6 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर। 6 के स्क्वायर आपका हो गया 36, 4 के स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 20, 20 का फैक्टर कीजिएगा आ जाएगा 2 रूट 5, 5 का 20 तो 2 रूट 5। आप चाहे तो 2 के मान भी रख सकते हैं या यहीं पर आप सेंटीमीटर इतना लिख के ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको ये बनाना है।